एवरीवन, माय सेल्फ नरमी साकिया एंड आई वेलकम्स यू ऑल एट वाइटेस्ट इंडिया गेट सक्सेस विद अस। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स। आप सभी का उत्तर प्रदेश स्पेशल की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह जो क्लास है यूपी स्पेशल सीरीज की क्लास थर्ड है और आज का जो टॉपिक रहेगा वह उत्तर प्रदेश का इतिहास होगा। उत्तर प्रदेश के इतिहास को इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। क्लास नंबर इस थर्ड और टॉपिक अगर टॉपिक है इस क्लास का टॉपिक फॉर टुडेज क्लास इज उत्तर प्रदेश का जस्ट अ सेकेंड उत्तर प्रदेश का इतिहास। उत्तर प्रदेश का इतिहास काफी पुराना है। यहाँ से हमें प्राचीन काल के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे मुगल शासन भी रहा उत्तर प्रदेश में, ये दिल्ली सल्तनत का भी हिस्सा रहा और इसने जो 1857 की क्रांति थी उसमें भी उत्तर प्रदेश का इतिहास हम पढ़ सकते हैं। तो इतिहास को जैसे हम इतिहास विषय में जो हमारे इतिहास के सोर्सेस के आधार पर इतिहास को हम तीन काल में बांटते हैं, ठीक उसी तरह से उत्तर प्रदेश के जो हमें साक्ष्य मिले हैं भिन्न भिन्न स्थलों से उसको हम उन्हीं आधारों पर देखते हैं कि कौन से काल के साक्ष्य हमें उत्तर प्रदेश के किस भाग से प्राप्त हुए हैं। तो इतिहास को देखें, इतिहास में हमने पढ़ा होगा कि इसे हम प्राचीन इतिहास से बोलते हैं। इसको हम तीन भागों में बांटते हैं, पुराषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। नव पाषाण काल उत्तर प्रदेश के इतिहास को हमने शुरुआती इतिहास को तीन भागों में विभाजित किया, पुराषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उत्तर प्रदेश के पुराषाण काल साक्ष्य को देखें तो पुराषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य हमें पुराषाण काल से संबंधित जो सभ्यता थी उसके साक्ष्य में सोनभद्र जिले से इलाहाबाद से और चंदौली से प्राप्त हुए हैं। सोनभद्र के जो जगह है वह सिंगरौली घाटी से प्राप्त हुए हैं। सोनभद्र की सिंगरौली घाटी इलाहाबाद के बेलन घाटी और चंदौली के चकिया जगह से हमें पुराषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं जो कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में महत्वपूर्ण हैं। मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य जो हमें मिले हैं
वह सराय नाहर राय और महादहा से हमें मिले हैं। मध्य पाषाणकालीन से संबंधित जो साक्ष्य प्राप्त हुए उत्तर प्रदेश में, वह जगह है सराय नाहर राय। उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय से और महादहा से हमें मध्य पाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर नव पाषाणकालीन की बात करें, अगर उत्तर प्रदेश में किस जगह से हमें नव पाषाणकालीन साक्ष्य मिले हैं, तो वह जगह कुछ इस तरीके से हैं। मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में सोनभद्र बुंदेलखंड से हमें नव पाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और प्रतापगढ़, नवपाषाण काल में हमें प्रतापगढ़ से भी नव पाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में हमें पुरापाषाणकालीन से संबंधित जो सभ्यता थी उसके साक्ष्य में सोनभद्र के सिंगरौली घाटी से, इलाहाबाद के बेरल घाटी से प्राप्त हुए, चंदौली के चकेल इलाके से प्राप्त हुए। मध्य पाषाणकालीन में यह जो साक्ष्य स्थल हैं, जो संबंधित साक्ष्य स्थल मध्य पाषाणकालीन से हैं, वह है सराय नाहर राय और महदहा। नेक्स्ट है नव पाषाणकालीन जो साक्ष्य हमें उत्तर प्रदेश के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, वह है मिर्जापुर, सोनभद्र, बुंदेलखंड और प्रतापगढ़। इसी दौरान हम प्राचीन इतिहास में एक और काल पढ़ते हैं, वह है ताम पाषाणे, ताम पाषाणे काल के साक्ष्य भी हमें उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुए हैं। जो स्तर है जहां से ताम पाषाणे काल के साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं, उनमें पहला है मेरठ। मेरठ से हमें ताम्रपाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और दूसरा है सहारनपुर। तो उत्तर प्रदेश के दो जिलों से जो कि मेरठ और सहारनपुर हैं, वहां से हमें ताम्रपाषाणी कालीन सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसे जल्दी से आप थोड़ा सा क्विकली रिवाइज कीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर चलते हैं, अब जो हमारे इतिहास में हमने 16 महाजनपद पढ़े हैं, जो कि इतिहास की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, वो महाजनपद हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। सो महाजनपद, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाजनपद जो थे वह 16 थे। इन 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद मौजूद थे उस टाइम पर। अगर देखें तो ये कौन कौन से महाजनपद थे, तो ये थे पहले 4 कुछ इस तरीके से थे, कुरु, कौशल, कुरु कौशल, कुरु कौशल, पांचाल, सूरसेन,
से चेरे सिक्स चेरे सेवन वर्ड्स और एट इज मंथ। तो जो हमारे इतिहास में हमने 16 महाजनपद पढ़े हैं उनमें से 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में मौजूद थे। उनमें उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: कोरू, कोशल, पांचाल, सोरसेन, काशी, चेरी, बात और मल। नेक्स्ट है, अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ ऐतिहासिक स्थल। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के कुछ ऐतिहासिक स्थल। इस सब टॉपिक में जो हम डिस्कस करेंगे वे हैं उत्तर प्रदेश के कुछ ऐतिहासिक स्थल, जो कि इसमें पहला है मथुरा। मथुरा में देखें तो ये है सूरसेन महाजनपद की राजधानी था। महाजनपद की राजधानी मथुरा रही। यहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में है। बढ़ते हैं अगले शहर की ओर, तो दूसरा है मेरठ। मेरठ में आलमगीर स्थल से हमें हड़प्पा कालीन साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेरठ के आलमगीर से। नेक्स्ट इज कुशीनगर। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर, इस जगह पर महात्मा गौतम बुद्ध का कुशीनगर, महात्मा गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण निर्वाण स्थल है कुशीनगर। गाजीपुर से हमें भीतरी स्तंभलेख प्राप्त हुए हैं। फिर गाजीपुर से हमें भीतरी स्तंभलेख प्राप्त हुए हैं। अगला है उत्तर प्रदेश का स्थल, ऐतिहासिक स्थल, उसमें शामिल है वाराणसी। वाराणसी यहाँ पर सारनाथ को ध्यान में रखते हुए वाराणसी इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक स्थल है। अगला है इलाहाबाद, जिसे अब जिसका नाम बदलकर प्रयागराज हो गया है। प्रयागराज यहां से हमें मिला है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति और क्या मिला हमें इलाहाबाद में, जो ऐतिहासिक स्थल के रूप में इसको फेमस करता है।
आनंद भवन तो मथुरा ऐतिहासिक एक स्थल है जो मथुरा सूरसेन महाजनपद की राजधानी रहा। कृष्ण जन्मभूमि भी है यहाँ मथुरा में। मेरठ में आलमगीर स्थल से हड़प्पा कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कुशीनगर महात्मा गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण से संबंधित है। गाजीपुर से हमें भीतरे स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। वाराणसी सारनाथ से संबंधित है और वाराणसी को विश्व की प्राचीन नगरी कहा जाता है। इलाहाबाद या प्रयागराज, प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद का किला और आनंद भवन इलाहाबाद में स्थित हैं। तो ये थे कुछ उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल। अगला है एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालन क्यों कहा जाता है? वह कुछ इसलिए है क्योंकि बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में 7 मुख्य गणराज्य थे जो बौद्ध काल था हमारा। बौद्ध काल में उत्तर प्रदेश में मुख्य 7 गणराज्य थे। गणराज्य उत्तर प्रदेश गणराज्य थे जो बौद्ध धर्म से संबंधित 7 प्रमुख गणराज्य हैं या बौद्ध काल से संबंधित 7 प्रमुख गणराज्य हैं वह उत्तर प्रदेश में थे। अगला है कि उत्तर प्रदेश में स्थित जो अयोध्या शिलालेख है, अगर है कि उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुआ अयोध्या शिलालेख सुंग डायनेस्टी थी उससे संबंधित है और जो हमें इलाहाबाद में प्रयाग प्रशस्ति प्राप्त हुई है। ये उत्तर प्रदेश की प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के उत्तरापद और दक्षिणापद अभियान के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन प्राचीन काल से संबंधित। बढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास की तरफ।
आज उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास मध्यकालीन इतिहास में देखें तो मध्यकालीन इतिहास में आगरा की स्थापना हुई, दिल्ली सल्तनत का विकास हुआ और दिल्ली को जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्होंने कालपी को अपना दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया और जौनपुर की स्थापना हुई। तो आगे एक एक करके देखते हैं। मध्यकालीन इतिहास में पहला जो है वह आगरा की स्थापना। आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी ने की। आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी ने की, ये की थी 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की। जो आगरा था, मुगल शासनकाल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा। आगे बढ़ते हैं तो अगला है दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। दिल्ली सल्तनत के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने वर्तमान जालौन को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया। तो ये थे 2 पॉइंट मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में कि आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी ने की और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालपी को दिल्ली सल्तनत का अंग बनाया। आगे बढ़ते हैं तो जानते हैं जौनपुर के बारे में। जौनपुर जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है, इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। स्थापना जौनपुर की जो की वह थे फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर से संबंधित दूसरी इंफॉर्मेशन है वह है कि सर के शासन में इसे सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता था। जौनपुर को सर के शासन या सर के सल्तनत के दौरान
जौनपुर को सिराज हिंद कहा जाता था। और जो जौनपुर में फेमस स्थल है उनमें पहला अटाला मस्जिद और झंझनी मस्जिद। अटाला मस्जिद और झंझनी मस्जिद, झंझनी मस्जिद दोनों ही का निर्माण अटाला मस्जिद और झंझनी मस्जिद का निर्माण दोनों का निर्माण जो करवाया था वह इब्राहिम शाह सल्की ने करवाया जौनपुर में। आगे है जौनपुर का ही जामी मस्जिद और लाल दरवाजा। जौनपुर की जामी मस्जिद और लाल दरवाजा इन दोनों का निर्माण हुसैन शाह शर्की ने करवाया था। तो ये थे जौनपुर से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन। जल्दी से देखते हैं ये पॉइंट कि आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की। आगरा मुगल शासन काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। दिल्ली सल्तनत के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालपी जो कि वर्तमान में जालौन है को दिल्ली सल्तनत का अंग बनाया। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। सरकी शासन के दौरान इसे सिराज ए हिंद कहा जाता था। जौनपुर की अटाला मस्जिद और झंझनी मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी ने करवाया। जामी मस्जिद और लाल दरवाजा का निर्माण हुसैन शाह सरकी ने करवाया। तो ये थे 3 पॉइंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की ओर। नेक्स्ट है नंबर फोर इंफॉर्मेशन में देखते हैं कि जो बनायूं की जामा मस्जिद है, बनायूं जो उत्तर प्रदेश का जिला है, बनायूं में जो इसके मस्जिद यानी जिसका नाम है जामा मस्जिद, बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया। आगे बढ़ते हैं तो जानते हैं लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। ये लखनऊ का एक उपनाम है कि लखनऊ के जो अंतिम नवाब थे बाजिद अली शाह, जिन्हें अंग्रेजों ने 1856 में पदच्युत कर दिया था कि वहां पे शासन ठीक नहीं है और इस पदच्युत कर लखनऊ को अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो ये कुछ इस तरीके से लखनऊ के अंतिम नवाब जो थे वह थे वाजिद अली
करके यानी पद से हटा के अवध को ब्रिटिश शासन में मिला लिया। ब्रिटिश शासन में शामिल कर लिया। तो ये थे लखनऊ के बारे में कि जो लखनऊ के अंतिम नवाब थे बाजिद अली शाह, उनको अंग्रेजी सरकार ने पदच्युत करके अवध को अंग्रेजी शासन में, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट है, वर्ष 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है जो कि अंग्रेजों और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बीच होते हैं। अंग्रेजों और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बीच 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर सेवन है कि सन 1775 में, 1775 ईस्वी में फैजाबाद की संधि होती है। फैजाबाद की संधि 1765 में हुई थी इलाहाबाद की संधि, और 1775 में होती है, 1775 यानी 1775 में फैजाबाद की संधि होती है जो कि अंग्रेजों और आसफ उद्दौला के बीच होती है। अंग्रेजों और आसफ उद्दौला, आसफ उद्दौला के मध्य होती है। इस संधि के दौरान बनारस को अंग्रेज साम्राज्य में सौंप दिया गया। जो बनारस का क्षेत्र था, बनारस को अंग्रेजों को सौंप दिया गया फैजाबाद की संधि के द्वारा। आसफ उद्दौला जो है वह शुजा उद्दौला की मृत्यु के बाद अवध के नवाब बने। ये अवध के नवाब हैं। सुजाउद्दौला की मृत्यु के बहुत बाद, सुजाउद्दौला की मृत्यु के पश्चात आसफ उद्दौला अवध के नवाब बनते हैं, और 1775 में फैजाबाद की संधि होती है अंग्रेजों और आसफ उद्दौला के मध्य, जिसमें बनारस के क्षेत्र को अंग्रेजों को सौंप दिया जाता है। नेक्स्ट है नंबर एट, आसफ उद्दौला ईस्वी में मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमामबाड़ा का निर्माण कराया। इमामबाड़ा का निर्माण
उसको कुछ बदायूं में जामा मस्जिद है उसका निर्माण इल्तुतमिश मिश ने करवाया। लखनऊ के अंतिम नवाब जो कि बाजिद अली शाह थे 1856 में उन्हें पदच्युत कर अवध को ब्रिटिश शासन में शामिल कर लिया गया या ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है जो कि अंग्रेजों और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के मध्य होती है। 1775 में 1775 में फैजाबाद की संधि होती है जो कि अंग्रेजों और अवध के नवाब आसफउद्दौला जो कि शुजाउद्दौला की मृत्यु के पश्चात अवध के नवाब बने फैजाबाद की संधि करते हैं और बनारस के क्षेत्र को अंग्रेजों को सौंप दिया जाता है। आसफउद्दौला ने 1784 में मुहर्रम मनाने के लिए इमामबाड़ा का निर्माण करवाया लखनऊ में। तो ये थे मध्यकालीन इतिहास से संबंधित कुछ तथ्य। बढ़ते हैं आधुनिक इतिहास की तरफ। देखते हैं उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास। नेक्स्ट इज आधुनिक। आधुनिक इतिहास में 1857 की क्रांति एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है और 1857 की क्रांति में उत्तर प्रदेश ने एक मुख्य भूमिका निभाई थी। यहाँ से बेगम हजरत महल ने लखनऊ का नेतृत्व किया था और अलीगढ़ में भी आंदोलन यह क्रांति का साथ दिया था। तो देखते हैं आधुनिक इतिहास को। अगर बात करते हैं यहाँ पे नंबर वन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में वर्ष 1947 तक जो टोटल अधिवेशन हुए यानी वर्ष 1947 तक तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन की संख्या है जो उत्तर प्रदेश में आयोजित किए गए तो वह कुल 9 अधिवेशन उत्तर प्रदेश में आयोजित किए गए जो कि काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है वर्ष 1918 में। अगला है 1918 में किसान सभा का आयोजन या गठन किया जाता है। वर्ष 1918 में किसान सभा का गठन होता है। किसान सभा का गठन ये किया जाता है गौरी शंकर मिश्र और किसान सभा का जो गठन है 1918 में किया जाता है जिनका
जो गठन करता थे वह गौरी शंकर मिश्र मालवीय और इंद्र नारायण द्विवेदी द्वारा किया जाता है। अगला है नंबर थर्ड, तो ये है कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है जो कि इलाहाबाद में होती है। इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है इलाहाबाद में, और इसका गठन जो किया गया था वह किया गया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में किया जाता है जो कि 1923 में किया गया। तो ये थे पॉइंट नंबर वन, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो अधिवेशन है उत्तर प्रदेश में वर्ष 1947 तक टोटल 9 अधिवेशन उत्तर प्रदेश में आयोजित किए जाते हैं। 1918 में किसान सभा का गठन किया जाता है जो कि गौरी शंकर मिश्र मालवीय और इंद्र नारायण द्वारा किया गया। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में होता है जो कि चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, वह है कि जो स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद जो है उत्तर प्रदेश का 1950 में पुनर्गठन होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्योंकि जो पुराना है, हम पुराने उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो ये पहले इसका नाम उत्तर प्रदेश नहीं था, इसको हम संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत आगरा व अवध या यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से उत्तर प्रदेश को जाना जाता था, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1950 में इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। एक लास्ट है जो काफी बार डिस्कस हो चुका है, फिर भी यहाँ पे लिख देती हूँ कि नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश के 2000 में उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग करके या काट कर
एक नए राज्य का गठन किया जाता है। शुरुआती नाम उत्तरांचल था, लेकिन वर्तमान में यह उत्तरांचल उत्तराखंड है। तो ये थे आधुनिक इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्न। तो आज की इस क्लास में हमने इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ा और उन्हें जाना। आई होप कि ये जो सेशन है आपकी पढ़ाई में या आपके रिवीजन में मदद करेगा और आपकी तैयारी में को संपूर्ण बनाने में ये हेल्पफुल रहेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताइए कि ये क्लास कैसी है, क्योंकि आपकी फीडबैक जो है आप मुझे मेरी क्लास को इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। सो थैंक यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।